Hello students, I am your SS teacher. Hope you all are good. In class 7, we have completed two chapters of social science in history. Now today I am going to start chapter number 3. The chapter name is the Delhi Sultans. तो chapter 2 में हमने कावेरी डेल्टा के बारे में पढ़ा था. Mainly जो large kingdoms थे south में उनके बारे में देखा था. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? आपने ये notice जरूर किया होगा कि दिल्ली के capital होने के आगे कोई उल्लेख नहीं था. That was because Delhi became an important city in the 12th century. Take a look at a table 1. तो table 1 में हम देखते हैं कि दिल्ली में कौन कौन से rulers रह चुके थे. You can see here the rulers of Delhi. सबसे पहले दिल्ली पर राज किया था तोमर्स ने, फिर उसके बाद अनंगपाला चौहान और फिर पृथ्वीराज चौहान. सबसे पहले राजपूत डायनेस्टीज थी, उसके बाद तुर्कीज जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, ग्यासुद्दीन बलबन. उसके बाद खलजी डायनेस्टी आई जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया. फिर तुगलक डायनेस्टी आ गई जिसमें ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद सैयद डायनेस्टी में खिजर खान और लोदी डायनेस्टी में बहलुल लोदी ने रूल किया, और इनके बाद मुगल डायनेस्टी आती है और इन्होंने दिल्ली पर बहुत समय तक राज किया है. दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत्स, और 12th सेंचुरी के मिडल में चौहान के जो अजमेर के थे उन्होंने तोमर्स को डिफीट किया था, हराया था. इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर. तोमर्स और चौहान्स के टाइम पर ही दिल्ली काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बना था. मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन दिस सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स. काफ़ी सारे जैन मर्चेंट्स ने इस सिटी में रहना शुरू किया था और उन्होंने टेम्पल्स वगैरह बनवाए. कॉइन्स मिंटेड हियर मतलब सिक्के बनने लगे जिसको दिल्ली वाल कहा जाने लगा एंड हैड अ वाइड सर्कुलेशन. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो बदलाव हुआ, दिल्ली कैपिटल बनी, दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी. इस टाइम दिल्ली एक ऐसी कैपिटल बनी जिसने पूरे देश पर राज किया. As you can see here in map 1, selected Sultanate cities of Delhi in 13th and 14th centuries. The Delhi Sultans built many cities in the area that we now know as Delhi. Delhi काफ़ी बड़ा शहर बना और आसपास भी सिटी एक्सपांड हुआ जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं, जैसे दिल्ली एक उन्हा सीरी एंड जहाँ बना, ये सारे इलाके जो है वो दिल्ली में है. Now the next topic is finding out about the Delhi Sultans. Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, ये सारी चीज़ें मतलब inscriptions, सिक्के और architecture से हमें बहुत सारी information provide होती है. Especially सबसे important histories, तारीख मतलब singular और तवारीख plural के जो Persian में लिखे हैं, जो एक language है, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स. द ऑथर्स ऑफ तवारीख, जिन्होंने तवारीख लिखा है, वो लर्नेड मैन मतलब पढ़े लिखे लोग होते थे, जो सेक्रेटरी होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, पोएट और कॉर्टियर्स होते थे, हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल. ये जो तवारीख होती थी उसमें सारी इवेंट्स लिखी जाती थी कि आज से पहले क्या क्या हुआ है, कौन से कानून बनाए गए हैं एटसेट्रा. यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है द सर्कल ऑफ जस्टिस. द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स. फख्र ई मुदब्बिर रॉट इन द 13th सेंचुरी, ये लिखते हैं कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, मतलब किंग जो है वो सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता.
और सोल्जर्स जो है वो सैलरी पे काम करते हैं, और उनकी सैलरी पीजेंट्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसमें से दी जाती थी। बट पीजेंट्स तभी टैक्स पे कर सकते हैं जब वो हैप्पी और प्रॉस्परस हो। दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। और पीजेंट्स तब खुश होंगे जब किंग उनके साथ प्रॉपर जस्टिस करेंगे। तो ये हमारा सर्कल ऑफ जस्टिस था। अब आगे देखते हैं, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स ऑन माइंड। कुछ और डिटेल्स भी हमें याद रखनी है। फर्स्ट, द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज। जो तवारीख के ऑथर्स थे वो ज़्यादातर सिटीज़ में रहते थे, मेनली इन दिल्ली। गांव वगैरह वो लोग बहुत कम जाते थे। सेकेंड, दे ऑफन रॉट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। थर्ड, दिस ऑथर्स एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। मतलब ये लोग तवारीख में लिखते थे कि जो बर्थ राइट है वो जेंडर बेस्ड, मतलब लड़का ही राजा बनेगा। इन 1236 जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उन्होंने अपने बेटों को नाकाबिल मानकर अपनी बेटी थी रजिया उसको सुल्तान बनाया था। द क्रॉनिकलर, मतलब जो उस समय के इतिहासकार थे मिनहाज सिराज, रिकॉग्नाइज्ड दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। के वो ज़्यादा एबल थी, ज़्यादा क्वालिफाइड थी, ज़्यादा अच्छी थी एज अ रूलर, बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन एक वुमन राज करे ये चीज़ से वो कंफर्टेबल नहीं थे, उनको ये बात सही नहीं लग रही थी। और बाकी जो नॉबल्स थे इन्होंने भी काफ़ी अटेम्प्ट किए इनको हटाने के लिए। एंड फाइनली शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। मतलब 4 साल तक ही वो क्वीन बनकर रह पाई। वॉट मिन्हाज सिराज थॉट अबाउट रजिया। उन्होंने सोचा कि क्वीन का जो रूल है वो आइडियल सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट है, विच वॉज क्रिएटेड बाई गॉड। वो ये भी कहते थे कि इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ इसके पास कैसे आ गई, जबकि वो तो एक वुमन है, ऐसा मिन्हाज सिराज का मानना था। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रजिया मेंशन्ड दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। इतिहास में फीमेल रूलर जो है वो काफ़ी कम है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो एज अ लेडी रूलर इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपांशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है वो किस तरह से फैली, यू कैन सी इन दिस मैप के कौन कौन से एरियाज सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के कब्जे में थे, जो ये मैप में दिए हुए हैं। इन द अर्ली 13th century द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हैविली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाई गैरिसंस। 13th century की शुरुआत में जो दिल्ली का कंट्रोल था सिटी के बाहर के एरियाज में नहीं होता था, और वो जो व्यापार था उनको जो गिफ्ट्स आते थे या फिर जो सप्लाई होती थी उस पर वो डिपेंड करते थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। मतलब दिल्ली में बैठ कर बंगाल सिंध को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल था। रिबेलियन, मतलब विद्रोह हो जाते थे, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रजाइल कम्युनिकेशंस रूट्स। मतलब कई बार मौसम की वजह से भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। दिल्ली की अथॉरिटी को मंगोल से चैलेंज था, और ऐसा था कि वो अफगानिस्तान से अटैक करेंगे। एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस। द सल्तनत बैरली सर्वाइव्ड दिस चैलेंजेस। मतलब जो गवर्नर वगैरह अटैक कर देते थे तो सुल्तान रेजिस्ट नहीं कर पाता था, और सुल्तान के हाथ से वो वाला एरिया चला जाता था। लेकिन बलबन और तुगलक डायनेस्टी ने अच्छे से कंट्रोल कर रखा था। फर्स्ट सेट जो कैंपेन था अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स। इंटरनल फ्रंटियर मतलब आपका जो गैरिसन टाउन है और उसके जो सैनिक है उसके थोड़ा थोड़ा बाहर वाला इलाका, वो आपका इंटरनल फ्रंटियर है। मतलब अपने ही देश के गैरिसन टाउन का बाहर वाला एरिया, उस पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल बढ़ने लगा।
ड्यूरिंग दिस कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना डोआब एंड हंटर गैदरर्स एंड पैस्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। काफ़ी सारे कैंपेन चलाए गए जिसमें गंगा और यमुना दुआब उसके आसपास खूब घने जंगल होते थे तो उनको काटा गया। उसमें जो पैस्टोरलिस्ट थे उनको निकाला गया, पीजेंट्स को लैंड दे दिया गया और कहा गया कि इसमें फार्मिंग करें। काफ़ी सारे फोर्ट बनाए गए, गैरिसन टाउन्स को और भी ज़्यादा बढ़ाया गया ताकि जो ट्रेड रूट है वो और रीजनल ट्रेड का आपस में व्यापार अच्छा हो सके। द सेकेंड एक्सपेंशन जो है वो हुआ था एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत। इसमें मिलिट्री एक्सपेक्टेशन किए गए साउथर्न इंडिया में, मतलब वहाँ पे आर्मी भेजी गई और ये स्टार्ट हुआ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एंड कल्मिनेटेड विथ मोहम्मद तुगलक इन देयर कैंपेन्स। सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीसियस मेटल्स। मोहम्मद तुगलक का जब शासन ख़त्म हुआ 150 साल में, जो दिल्ली सल्तनत ने सबकॉन्टिनेंट के बहुत से पार्ट में कब्जा कर लिया था, अपने काफ़ी सारे आर्मीज को हराया और उनकी सिटीज़ भी कैप्चर कर ली। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रियाल। मतलब पीजेंट्स के पास से टैक्स कलेक्ट किया जाता था और इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी बढ़ने लगी। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच वास्ट टेरिटरी। अब इतने बड़े देश में कैसे कंट्रोल रहा होगा, मतलब यहाँ मैप में भी आप देख सकते हो कि कितना एरिया दिल्ली सुल्तान के कब्जे में था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो कैंपेन किया वो इलाका है अलाउद्दीन खिलजीज कैंपेन इनटू साउथ इंडिया। अब यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस भी हुए थे। ये जो मोस्क है कुव्वत अल इस्लाम एंड मिनरेट बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी के अंत में बनाई गई थी। फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय द दिल्ली सुल्तान्स डिस्क्राइब्ड इन द क्रॉनिकल्स एज दिल्ली कुना। मतलब ये ओल्ड सिटी में पड़ता है। ये मोस्क को बड़ा कराया गया था इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एंड द मीनार वॉज बिल्ट बाय टू सुल्तान्स कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। द मस्जिद, मस्जिद क्या होती है? अ मोस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक, जहाँ पे मुसलमान अपनी प्रेयर्स देते हैं और इनमें फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है और इनका नमाज पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। ड्यूरिंग प्रेयर्स मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट, दिस इज़ कॉल्ड किबला। नमाज पढ़ने के टाइम इनकी वेस्ट साइड मतलब मक्का की ओर देखना पड़ता है और मक्का जो है वो इंडिया की वेस्ट में है और इसमें मुसलमान का जो वो लोग जो प्रेयर करते हैं वो यहाँ पे होती है। मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स टुगेदर। अब ये जो फिगर 3 है ये बेगमपुरी मोस्क है जो मोहम्मद तुगलक ने बनाई थी और जहाँपनाह की मेन मोस्क थी। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मोस्क्स इन सिटीज ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। मतलब पूरे शहर में काफ़ी सारी मस्जिदें बनवाई गई। दिस डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। मोस्क्स ऑल्सो हेल्प्ड टू क्रिएट द सेंस ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। इस धर्म को मानने वाले इतने लोग हैं ये भी मस्जिद डेमोन्स्ट्रेट करती थी। मौत की मस्जिद जो है वो सिकंदर लोदी के शासन के दरमियान उनके मिनिस्टर के द्वारा बनाई गई थी। वो शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें ये बिलीफ थी कि सब साथ साथ में मिलकर प्रेयर करेंगे और इनमें इसकी वजह से भाईचारा बढ़ेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। यहाँ पे हम देखेंगे खिलजीज और तुगलक के बारे में। द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज अ वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। कंसोलिडेशन का मतलब है साथ साथ में रखना और जब दिल्ली सल्तनत इतनी बड़ी थी उसको संभाले रखने के लिए अच्छे राजा गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत थी।
रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफटेंस एज गवर्नर्स द अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेस्ड फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगन इन पर्शियन. जो स्टार्टिंग के दिल्ली सुल्तान्स थे कि उनके रिलेटिव्स पे भरोसा नहीं करते थे और इस्लाम में इस टाइम पे स्लेव ट्रेंड बहुत ज़्यादा हुआ करता था, मतलब लोगों को गुलाम बनाया जाता था. तो इस तरीके से जो स्लेव्स खरीदते थे तो इल्तुतमिश उनकी एबिलिटी देख के उनको हाई पोस्ट देते थे और उन पे ये दिल्ली सुल्तान्स काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे. इनको गवर्नर के टाइप का बनाकर भेज दिया जाता था अलग अलग इलाकों में और पर्शियन में इन गुलामों को बंदगन कहते हैं. दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम. मतलब इनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से होती थी ताकि सही तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सके. सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाय अपॉन देम. क्योंकि वो पूरे तरीके से अपने मास्टर अपने राजा पे डिपेंड करते थे. स्लेव्स रेदर देन सन्स. द सुल्तान्स वर एडवाइज्ड अ स्लेव हुम वन हैज ब्रॉट अप एंड प्रमोटेड मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट नीड्स अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव. वाइज मैन हैव सेड दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव इज बेटर देन अ सन. यहाँ पे बचपन से ही गुलाम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर उनको काफ़ी ऊंची पोस्ट दी जाती थी और सुल्तान्स को एडवाइस दी जाती थी कि स्लेव्स का ध्यान रखें. इनके लिए जो स्लेव्स होते थे वो अपने बेटों से भी ज़्यादा होते थे. द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यूड टू यूज बंदगन एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजिशंस. हम्बल बर्थ का मतलब है काफ़ी गरीब लोगों को भी इन्होंने स्लेव बनाया था. दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स. और ये स्लेव होते थे वो सिर्फ सुल्तान के लिए ही नहीं लोयल होते थे, उनके बेटे वगैरह के प्रति ये वफादार नहीं होते थे, ये सिर्फ अपने सुल्तान के प्रति ही लोयल होते थे. स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लोयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रॉन्स बट नॉट टू देयर हायर्स. न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स. नए सुल्तान्स के पास उनके नए सर्वेंट्स होते थे. एज अ रिजल्ट द एसेशन ऑफ अ न्यू मोनार्च ऑफन सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी. और जब नया सुल्तान आता था तो ओल्ड और न्यू नोबिलिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए. द पैट्रोनेज ऑफ दिस हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलाइट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तवारीख क्रिटिसाइज्ड द दिल्ली सुल्तान्स फॉर अपॉइंटिंग द लॉ एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेस. बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि रिच लोगों को गवर्नर्स वगैरह की हाई पोस्ट पे नहीं रखा जाता था और जो गरीब लोग थे उनको रखा जाता था. पर्शियन तवारीख में भी ये लिखा गया था कि दिल्ली सुल्तान्स ये चीज़ सही नहीं कर रहे हैं. उन्होंने दिल्ली सुल्तान्स को क्रिटिसाइज किया था. ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक. सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमर को अपॉइंट किया था अ वाइन डिस्टिलर, फिरोज हजाम अ बारबर, मंक ए तबाक अ कुक एंड टू गार्डनर्स लादा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स. तो ऐसे मोहम्मद तुगलक ने इनको अलग अलग पोजीशन पे अपॉइंट किया था. जियाउद्दीन बरानी अ मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट्स एज अ साइन ऑफ द सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट्स एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल. जियाउद्दीन बरानी ने इस बात पर सुल्तान को क्रिटिसाइज किया था कि सुल्तान को जो बड़े घर के लोग हैं उनको ही अपॉइंट करना चाहिए और ये मोहम्मद बिन तुगलक को तरंगी राजा भी कहा जाता था. लाइक द अर्लियर सुल्तान्स द खलजी एंड तुगलक मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस. यहाँ पे पुराने सुल्तान्स की तरह खिलजी और तुगलक ने काफ़ी सारे मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर्स बना दिया कि जो मिलिट्री के हेड होते थे और उनको अलग अलग टेरिटरीज दी जाती थी. दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तदार और मुक्ति.
तो इस तरीके के लैंड को इक्ता बोलते थे, और जो लैंड होल्डर होता था उसे इक्तेदार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको इक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। तो जो मुक्तीज होते थे या फिर इक्तेदार होते थे, इनके ड्यूटीज़ ये थी कि वो मिलिट्री कैंपेन्स चलाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। ये लोग राजा को मिलिट्री सर्विस देते थे तो इनको जो लैंड दी जाती थी उसमें से ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और यही उनकी सैलरी होती थी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यूज। और जो सोल्जर्स की सैलरी होती थी ये भी इसी में से होती थी। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइन इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बींग शिफ्टेड। मुक्ति पे जो कंट्रोल था वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था जब वो इनहेरिटेबल नहीं होता था, और इनको इक्तास बहुत कम टाइम के लिए दिए जाते थे। दिस हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वर rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq। मुक्तीस को थोड़े थोड़े टाइम के लिए इक्तास देकर हटा दिए जाते थे, और ये काम ज़्यादातर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने किया था। Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the मुक्तीस। यहाँ पे मुक्तीस को जो रेवेन्यू, वो लोग जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसको मेंटेन या चेक करने के लिए अकाउंटेंट्स भी रखे जाते थे। एंड केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही कैप्ट द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ सोल्जर्स। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द इंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल दे फोर्स्ड द लैंडेड चीफटेंस द सामंता एरिस्टोक्रेट एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि दिल्ली सुल्तान पहले सिर्फ शहरों की तरफ आए, फिर धीरे धीरे गांव और हिंटरलैंड भी पहुंच गए। गांव वाले एरियाज में जो सामंत होते थे और रिच लोग या फिर बड़े लैंडलॉर्ड्स, उनसे कहते थे कि तुम हमारी अथॉरिटी को स्वीकार करो। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो रेवेन्यू कलेक्शन का असेसमेंट था वो उन्होंने खुद के कंट्रोल में रखा था। द राइट्स ऑफ द लोकल चीफटेंस टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। जो लोकल चीफ्स थे उनके रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स को कैंसिल कर दिया गया एंड दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो लैंड का मेजर करते थे और अकाउंट्स केयरफुली मेंटेन करते थे। सम ऑफ द ओल्ड चीफटेंस एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व्ड द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एसेसर्स। अब यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट किए जाते थे वो तीन तरह के होते थे। फर्स्ट ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खरच एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। सेकेंड ऑन कैटल एंड थर्ड ऑन हाउसेस। फर्स्ट जो है खरज, मतलब जो भी उगा रहे हो उसका 50% टैक्स में देना पड़ता था। सेकेंड कैटल पर, मतलब जो जानवर पाल रहे हो उस पर, और थर्ड जो आपका घर है उस पर भी टैक्स दो। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। अब जो सब कॉन्टिनेंट का जो लार्ज पार्ट था वो दिल्ली सुल्तनत के कंट्रोल के बाहर था। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग साउथर्न इंडिया द इंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। जैसे कि बंगाल को दिल्ली से कंट्रोल करना मुश्किल था, और साउथर्न इंडिया को कब्जे में लेने के बाद ये कुछ टाइम बाद आज़ाद हो गया। इवन गंगेटिक प्लान्स में जहाँ जंगलों के एरियाज थे दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनेट्रेट, और जो लोकल चीफटेंस होते थे वो यहाँ रूल किया करते थे। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दिस एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। नाउ चीफटेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। इब्न बतूता जो थे के 14th सेंचुरी के ट्रैवलर थे फ्रॉम मोरक्को, जो कि अफ्रीका में पड़ता है,
उन्होंने चिप्टेंस के बारे में बताया था, इन इंडिया द बैम्बू इज नॉट हॉलो इट इज बिग। इंडिया में जो बैम्बू होता है वो हॉलो नहीं होता है, वो बड़ा होता है, इसके पार्ट्स इस तरह से इंटरवेंट होते हैं कि इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट दैम, एंड दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो चिफ्टेंस है वो यहाँ पे जंगलों में रहते थे जहाँ पे वो कैटल पालते थे और क्रॉप्स भी उगा लेते थे, और वहीं पर उनके लिए पानी भी मिल जाता था, दैट इज रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर। कोई आर्मी उनको नहीं हरा सकती थी। हु एंटरिंग दिस फॉरेस्ट कट डाउन द बैम्बूज विथ स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। द मंगोल्स अंडर जंगीज खान इन्वेडेड ट्रांसोक्शियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर मंगोल्स। मंगोल्स ने 1219 में जंगीज खान के अंडर ईरान को इन्वेड कर दिया था। मंगोल्स अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल। इन दोनों के शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत का काफ़ी इन्फ्लुएंस था और मंगोल्स अटैक ना कर सके, इसकी वजह से इन दोनों ने काफ़ी बड़ी आर्मी खड़ी करी विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। लेट्स सी हाउ द टू सुल्तान्स डील्ड विद दिस। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के जो रूल के डिफरेंसेस थे वो हम यहाँ पे देखेंगे दो कॉलम में। यहाँ पे दिल्ली पर दो बार अटैक किया गया, अलाउद्दीन खिलजी वाले कॉलम में देखिए 1299 and 1300 and 1302 and 1303। डिफेंस के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी आर्मी बना ली थी। मोहम्मद तुगलक में देखते हैं, सल्तनत पे अटैक किया गया तुगलक के टाइम पे एंड द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड। मोहम्मद तुगलक अपनी आर्मी को लेके बहुत कॉन्फिडेंट था एंड हीज रिसोर्सेज टू प्लान एंड अटैक ऑन ट्रांसोक्शियाना, ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन ने न्यू गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट किया था जिसका नाम सीरी था फॉर हिज सोल्जर्स। रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, नया गैरिसन टाउन बनाने के बजाय दिल्ली कुना को खाली करवाया और वहाँ पे सोल्जर्स को रख दिया, और यहाँ जो लोग रहते थे उनको दौलताबाद भेज दिया गया जो कि साउथ में था। एज वी ऑल नो दैट के मोहम्मद तुगलक जो था वो एक तरंगी सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी में देखते हैं, द सोल्जर्स हैड टू बी फेड, मतलब सोल्जर्स को खाना भी खिलाना पड़ता था, और इसके लिए गंगा और यमुना के बीच जो लैंड थी उसका टैक्स कलेक्ट किया जाता था। टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट्स यील्ड। यहाँ पे जिस एरिया में रहते थे उसी में से टैक्स कलेक्ट करके आर्मी को फीड किया जाता था। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्सेस। आर्मी के इतने सारे एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर एडिशनल टैक्सेस भी लिए जाते थे। दिस कोइंसिडेड विद फेमाइन इन द एरिया। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, इनको पैसे भी देने पड़ते थे, तो अलाउद्दीन सोल्जर्स को इकता की जगह कैश में सैलरी देना उन्होंने पसंद किया, तो सोल्जर्स अपने सप्लाईज वगैरह खरीद सकते थे एंड इट वॉज दस फियर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइसेस। इसकी वजह से ये डर था कि मर्चेंट्स प्राइसेस बढ़ा दें। टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल्ड द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। यहाँ पे अलाउद्दीन ने सामान की प्राइसेस कंट्रोल करवा दी और उसके ऊपर ऑफिसर्स के द्वारा ध्यान रखा जाता था, एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स वर पनिश्ड। जो प्रिस्क्राइब रेट्स पे गुड्स नहीं बेचते थे उनको सजा भी मिलती थी। अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकलर्स प्रेज्ड हिज रेन फॉर इट्स चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द मार्केट। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो काफ़ी सक्सेसफुल थे, लोग इसको प्रेज करते थे, एंड ही सक्सेसफुली विदस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेंशंस। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज। यहाँ पे तुगलक भी अपने सोल्जर्स को कैश सैलरीज दे रहा था, पर प्राइस कंट्रोल करने की वजह से इसने टोकन करेंसी बनाया, समवॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स नॉट गोल्ड एंड सिल्वर।
लेकिन 14th सेंचुरी के लोगों ने इस कॉइन्स पे ट्रस्ट नहीं किया. दे वर वेरी स्मार्ट, दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद दिस टोकन करेंसी. लोगों ने खुद के कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए. मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेल्योर. इनका जो कश्मीर की तरफ कैंपेन था वो भी डिजास्टर था. उसके ट्रांसोक्सियाना के लिए जो बड़ी आर्मी बनाई थी उसको भी डिसबैंड कर दिया. मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस. लोगों को दौलताबाद भेज दिया गया. टैक्सेस बढ़ाने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी. गंगा यमुना बेल्ट में रिबेलियन होने लगा एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड. तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स. इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक्स फेल्योर्स वी समटाइम्स फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत अ दिल्ली सुल्तान प्लान्ड अ कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी. फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में दिल्ली सुल्तान ने मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने का प्लान बनाया था. अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर्स किए थे और तुगलक के मेजर्स ऑफेंसिव थे अगेंस्ट द मंगोल्स. द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज. 15th और 16th सेंचुरी के टाइम पे सल्तनत कैसी थी? जैसे हमने आगे देखा तुगलक्स के बाद दिल्ली में सैयद लोधी डायनेस्टीज ने रूल किया 1526 तक. उसके बाद जुआनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा साउथ इंडिया इनके इंडिपेंडेंट रूलर्स थे जिन्होंने अपने स्टेट्स और कैपिटल्स एस्टैब्लिश किए. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच शो द एमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत्स. अफगान और राजपूत भी इस टाइम पे आगे बढ़ रहे थे. सम ऑफ द स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्टर्ड. शेर शाह सूर इनका टाइम 1540 से 1545 तक था जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज द मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड एवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्पायर हुमायूं. यहाँ पे आप टाइम पीरियड देख सकते हो 1530 टू 1540 एंड 1555 टू 1556. शेर शाह ने दिल्ली कैप्चर कर दिया और अपनी ओन डायनेस्टी एस्टैब्लिश की और सूर डायनेस्टी ने 15 साल तक रूल किया 1542-1555. इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट. और शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल बना फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर 1556-1605 when he consolidated the Mughal Empire. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.